थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान मोहम्मद सलीम पुत्र रियाज भाट निवासी अमुआ टुनवा थाना झरोखंड जनपद मोतिहार बिहार के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से चोरी की गई एक अदद लैपटॉप, एक अदद आरी, एक अदद हथौड़ी और 1300 रुपए नगद बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये बीती रात को कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में एक फोटोकॉपी की दुकान है, उस दुकान पे ताला तोड़ा गया और उसमें से कुछ पैसे जो फुटकर थे वो उठाए गए। एक दूसरी दुकान का ताला तोड़ा गया उसी परिसर में, लेकिन पुलिस की सक्रियता से सुबह सुबह वो चोर जो जिन्हें काम किया था वो पकड़ लिया गया। उसके पास से वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। उसके पहले उसके पास से एक लैपटॉप बरामद किया बीती रात में, उसके पहले की रात में मोहद्दीपुर में एक मोबाइल की दुकान से लैपटॉप चुराया था, वो लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। मूलतः यह बिहार के है और कबाड़ी का कार्य करते हैं, ऐसे ही फुटकर इधर उधर रहते हैं, मौका पाकर चोरी कर लेते हैं। इस चोर से पकड़ा गया, जो भी दोनों घटनाएं हुई हैं इसमें पूरी शत प्रतिशत बरामदगी कर ली गई है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इसके किसी और भी साथी का नाम लिया है? अभी साथ में नाम नहीं लिया, ये सब फुटकर कबाड़ी काम करते हैं। इसने कहा कि हम रात को निकले, हमने काम कर लिया है, लेकिन इसके जो कबाड़ी और लोग करते हैं इधर उधर के, उनकी भी अब निश्चित रूप से पहचान की जाएगी और उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी।